ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संपूर्ण पवित्रता, संपन्न जीवन बनाने वाले सतगुरु बाबा ने हमें एक ही मंत्र दिया है, जिससे हम वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, संबंध, कर्म और व्यवहार में संपूर्ण पवित्र बन कर रहे। अपवित्रता क्या है? किस चीज का नाम अपवित्रता है? कोई भी चीज का प्रभाव, मिक्सचर, इन्फ्लुएंस, अट्रैक्शन, जिसको कहेंगे पोल्यूशन। तो बाबा हर प्रकार के पोल्यूशन से फ्री बना रहा है। शुद्ध बना रहा है। तो कभी बाबा कहते हैं निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, कोई मैल नहीं। अपवित्रता का एक्सट्रीम है जो एक्सप्रेशन, सटल एक्सप्रेशन है, वो है अहंकार। ग्रॉस एक्सप्रेशन है काम विकार। मोटा रूप अपवित्रता का काम विकार है। सूक्ष्म रूप अपवित्रता का अहंकार है। इसीलिए बाबा बार बार, क्योंकि काम विकार यह है देह के भान के कारण, मोटा रूप है, मोटा जिस्म वाला रूप जिस्म को अट्रैक्ट करता है, उसमें ग्रेविटी है। अर्थ में, मैटर में ग्रेविटी है। तो शरीर का भान स्त्री और पुरुष, ये ग्रेविटी काम विकार में गिरा देती है। ये मोटा रूप है, डिपेंडेंसी है एक दो के ऊपर, बंधन है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म, फिर बाकी सभी विकार भी, बाबा ने कहा ना संपूर्ण पवित्रता का मतलब सिर्फ काम विकार नहीं, परंतु सर्व विकारों पर, सब प्रकार के मोटे तथा सूक्ष्म रूप पर विजय। छोटा रूप ज़्यादा नुकसान करता है, चूहा ज़्यादा नुकसान करता है, फूंक भी देता है और काटता भी है। फूंक देता है मीन्स ये अहम भाव में फुला देता है, पता भी नहीं चलता। इंटॉक्स चूहे में क्लोरोफॉर्म होता है उसके फूंक में, तो जैसे किसको क्लोरोफॉर्म चढ़ा दो तो उसको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये अहम भाव का क्लोरोफॉर्म जब चढ़ जाता है तो माया चूहा काटती है, पता भी नहीं चलता। अहम भाव जब होता है ना, अहंकार, तो मैं अपनी महिमा कर रहा हूँ या अभिमान में दूसरे का अपमान कर रही हूँ, इसका पहचान नहीं होती है। तो आज बाबा देह के भान से न्यारा होना है। देह भान, फिर है देह अभिमान। भान में स्त्री पुरुष का भान है, मेल फीमेल कॉन्शियस है, ये भान है।
फिर उसमें अपना लिया, वो अपना रूप बन गया, तो उसमें उस भान में ही अभिमान आता है। अभी हम मानते हैं मैं ये हूँ, और दूसरे को भी मनाते हैं मैं ये हूँ, अभी अभी मेरी बात मान, अभी अभी नहीं मानी तो गुस्सा आ जाएगा, अभी मैंने कहा अभी अभी मान। तो अभिमान, भान से भी न्यारे बनना है, अभिमान से भी न्यारे बनना है। तो अभिमान से न्यारे होंगे तो अपमान से अभाव चले जाएंगे, अभिमान से फिर या तो अपमान की महसूसता होती है या दूसरे का अपमान करते हैं, तो दूसरी फिर अपवित्रता, दूसरे के अवगुण और अपने अवगुण व्यवहार में आने लग जाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं देहे भान को छोड़, बार बार मैं शुद्ध आत्मा शरीर से न्यारी हूँ, अशरीरी, बॉडीलेस स्टेज, बॉडीलेस स्टेज की प्रैक्टिस करते अव्यक्त स्टेज, अव्यक्त स्टेज की प्रैक्टिस करते फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करते निराकारी स्वरूप, निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस ही निरहंकारी स्थिति है, जो सब विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो सांपों पर डांस करने लग जाते हैं, तब सांपों को शैया बना देते हैं, कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए पहले विकारों को चेंज करके आत्मिक स्थिति में बाबा के साथ योग लगाने से उस सांपों की स्टेज है, इसलिए भिन्न भिन्न रीति से दिखाया है। सांप पर डांस, सांप शैया, सांप गले का हार और सांप छत्र छाया, ये चार स्टेजेस हैं। तो अशरीरी स्थिति, निराकार अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति से सांपों को शैया बना करके वही विकार गुण बन जाते हैं, निर्विकारी बन जाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं सांपों को सैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। जीते जी मरने का अभ्यास करो, शरीर से न्यारी आत्मा अशरीरी हूँ, बार बार अशरीरी हूँ, यानी शरीर से न्यारी, तो जीते जी मर गए ना, तो अमर पद पाने का और अमर लोक में जाने का, अमर राजपद पाने का मंत्र है आज की मुरली। मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे, यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या तो अपने शरीर में या किसी ना किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगे, कोई की बात अच्छी लगेगी
या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से देह से प्यार नहीं कर सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। किस लिए आया हूं? पहले आप समान बनाने के लिए आया हूं, फिर घर ले जाएंगे ना, उस दिन का ना, ले जाने के लिए आया हूं, पर पहले साथ बन आप समान बनाने के लिए आया हूं। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वो है निराकार, कहते हैं मैं निराकार हूं। तो तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका भी भान नहीं है, जिसके तन में प्रवेश करते हैं उनको भी अपने शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ये शरीर ब्रह्मा बाबा का शरीर उनका तो नहीं है ना, तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्मा को ही मेरे साथ चलना है, तो क्या कॉन्शियस रहनी चाहिए? भान हमारा निकल जावे, बाप समान बन जावे और भान निकल जावे, तो क्या कॉन्शियस रहे अथवा कौन सी अवेयरनेस रहे, और क्या अथवा रियलाइजेशन से हम हर एक्ट करें? एग्जैक्टली व्हाट बाबा, जो बाबा करते हैं वो ही। तुम बच्चे भी जैसे मैंने शरीर लोन लिया है, वैसे तुम आत्माएं भी लोन लेती हो पाठ बजाने के लिए। ये शरीर ऐसा ही समझो, ये लोन लिया है, तुम आत्माएं भी लोन लेती, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। हमने मैटर से लोन लिया है ना, प्रकृति से लोन लिया है, बाबा ने प्रकृति का आधार लिया है। जैसे जैसे जीते जी इस शरीर में, हाँ तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो, अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं, परंतु हूं तो न्यारा अर्थात मरा हुआ नहीं। कई बारी बाबा, बहुत बारी अव्यक्त बाबा भी बार बार कहते हैं, कोई बार मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही मरना है क्या? तो मरने का मतलब कोई वैसे मरना नहीं, सोल कॉन्शियस होके रहना। मैं मरा हुआ, मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है, शरीर भान को छोड़ना है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहां ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है, मेरापन हो गया ना, तो मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूं,
तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। और दूसरा मोह ना रहे और क्या करना है, अब हमको बाबा के साथ जाना है। जब जाना होता है तो जिस स्थान से जाना है वहाँ से बुद्धि हट जाती है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है तो तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जूती से ममत्व निकालो, यानी पुराने चमड़े से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ गई है। आजकल बहुत फैशन है कि वो चमड़े का जूता नहीं पहनते हैं, बॉडी का मैटर का बना हुआ नहीं, तो डेड बॉडी वाला चमड़ा होता है ना, तो ये भी बॉडी से निकल गए। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ गई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, हूँ शरीर में पर न्यारा हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है, तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना बांध रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना है जरूर। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। हमको ही मरना है, हाँ हमको ही मरना है, हमको ही अमर बनना है। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर भी याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूँ, तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का मोह, किसी में मोह, किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बगैर रह नहीं सकते। देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? खाते पीते जैसे शरीर में मैं हूं ही नहीं, ये वंडरफुल मरना है ना। मरे हुए हैं, खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, पर घोस्ट नहीं है, फरिश्ते हैं। चलते मर के मरे हुए हैं, खा पी सब कुछ कर रहे हैं, खाते पीते जैसे शरीर में मैं हूं ही नहीं, ये अवस्था पक्की करनी है। तब आठ रत्नों की माला में आ सकते हैं। वंडरफुल सीक्रेट, आठ रत्न में आने का सीक्रेट। मेहनत बगैर थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे, मैं तो वहां का रहने वाला हूं, अमर लोक याद रहे। जीते जी समझे, मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा टेम्पररी इसमें बैठा है, ऐसे हमको भी घर जाना है।
जैसे बाबा का ममत्व नहीं है वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। ये फलानी बहुत अच्छी है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत अच्छा ऐसा है ना, बहुत मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर, बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे, फंस जाएंगे उसमें, माया मार देगी देन। बड़ी मंजिल है तुम्हारी भी, जन्म तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो बच्चों को सिखलाने आया हूं। बाप खुद कहते हैं मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। अपने शरीर में, दूसरों के शरीर में हम फंस गए थे तो बाबा लिबरेट करने आया, छुड़ाने आया है। तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब शरीर के भान से अब शरीर से भान निकालो, शरीर के भान से न्यारे हो जाओ। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में उनकी याद आती रहेगी। जिसका प्रभाव पड़ गया ना, जहां मोह जुट गया, बस वही याद आते रहेंगे। जिस्म पर प्यार होगा तो रिजल्ट क्या होगी, फंस गए, मर गए तो क्या हुआ, माया हार खा लेंगे। जिससे प्यार किया वो ही निमित्त बना हार खिलाने के, तो माया में तो बाबा के गले का हार नहीं बन सकते, अष्ट रत्नों में विजयी रत्नों में नहीं आ सकते। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं, माया में विकारों में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, ये भी आत्मा हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। तो पिछला कर्म विकर्म जो किया हुआ वो कैसे भस्म हो, फिर दूसरा अभ्यास चाहिए। बाप की याद से विकर्म भी विनाश होंगे, दोनों बातें चाहिए। भान से न्यारे कैसे रहें, अभिमान से निकल जावें, अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करें। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। बॉडी स्टेज, बॉडीलेस स्टेज क्या है, अव्यक्त स्टेज क्या है, निराकारी स्टेज क्या है, इमॉर्टल बनने का तरीका क्या है, सदा ब्लिसफुल रहने की विधि क्या है, ये सोल कॉन्शियस की स्टेजेस है ना। इस पर तुम बहुत अच्छी तरह से विचार मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर उछल नहीं सकेंगे, खुशी नहीं आएगी। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्कर पूरा हुआ, अब फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया,
तो फंस पड़ेंगे या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को ही याद करते आए हो ना, निराकार को याद करते आए हो। हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा, कोई देहधारी को हे प्रभु कह नहीं सकते। प्रभु, भू मीन्स धरती, वो धरती से ऊपर जो रहने वाला है, परे रहने वाला है, धरती के आकर्षण से भी जो परे है, जो पार है, इसलिए इसको प्रभु कहते हैं। तो प्रभु जो प्रकृति से परे रहने वाला है वो निराकार ही सामने आएगा ना बुद्धि में, इसलिए शिवलिंग ही सामने आएगा। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं तो उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला प्रभु, भू से ऊंचा परे परम धाम में रहने वाला निराकार। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी एक की होती है, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं सन्यासी तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत है उतने ज्यादा फॉलोअर्स। ये बाप तो है ही एवर प्योर, एवर प्योर और है भी गुप्त, डबल है ना, ब्रह्मा तन में निराकार बैठे हैं, ताकत सारी उनकी है, इनकी नहीं। ये ब्रह्मा बाबा का निरंकारी बना। शुरू में भी तुमको कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं की, वो एवर प्योर है, क्योंकि वो तो एवर प्योर है ना, तुमको इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच ना सके। बाप कहते मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु मेरा मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं, एवर प्योर ना। एवर प्योर एक शिव बाबा का ही टाइटल है। वो तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्रों में भी दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का राज नहीं सुनाते ना, विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का राज सुनाते नहीं है, वो तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं इन द्वारा ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़ी समझाता हूँ। यानी ब्रह्मा फिर सो विष्णु बनते हैं, लक्ष्य बाबा ने विष्णु दिया ना उनको, कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं।
फिर 84 जन्मों के बाद ये संगम होगा। फिर ये दो एस्पेक्ट है, ब्रह्मा है लक्ष्य, ब्रह्मा का लक्ष्य विष्णु है, विष्णु बना तो फिर 84 जन्म लगे चक्कर में आने में, तो विष्णु की नाभि कमल से फिर वो लंबा लोटस का स्टैम्प दिखाया है। आटे में नमक बाबा ने कहा ना, आटे में नमक, यानी कई बातें ठीक हैं, विस्तार बहुत है, परंतु तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे बड़े सैक ऑफ फ्लावर में है, ऐसे बाकी सब विस्तार में छोटा सा सार ठीक है, मीनिंग उसका विस्तार ठीक नहीं है। 84 जन्म के बाद फिर ये संगम होगा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनेंगे। ये कोई, ये तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं फिर से, कौन सी बात बाबा, आज आज की मुरली का एम्फेसिस किस बात पर है? जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, शरीर में रहते हो तो जिंदा हो यहाँ, परंतु रहते हुए मरना है। समझते हो हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दें, ट्रांसफर करेंगे तो सब नया वहाँ पर मिलेगा ना, इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, ट्रांसफर करें, इंश्योरेंस कर दें। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। ये भी करेंगे वो ही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा, सब कुछ ट्रांसफर कर देना है, इंश्योर कर देना, कम जास्ती कुछ भी नहीं होगा, तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे, भाग्यवान आत्माएं अपना सब कुछ भाग्य बना लेंगी, कुछ कहने की दरकार नहीं रहती उनको, आपे ही टचिंग आती है। मेरा भाग्यवान आत्मा को आपे ही विधि भी आती है, अपना पुरुषार्थ आपे चलता है, प्रेरणा भी कैच कर लेते हैं, इशारे को भी समझते हैं। नहीं भाग्यवान है तो कितना भी समझाओ, बताओ, डायरेक्शन भी दो, रॉन्ग मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए साक्षियों के देखना है, कुछ भी कहने की दरकार नहीं, फिर भी बाप समझाते हैं, ये बाबा फिर भी रहम दिल है तो बताते हैं, फिलॉसफी बताते हैं, करेंगे तो पाएंगे, फिर भी बाप समझाते हैं, जो कुछ करते हो फिर करने का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा हैं, ये शरीर छोड़ करके जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, रावण का परिवार ज़्यादा है, पॉपुलेशन जास्ती है, ईश्वरीय परिवार छोटा है, तो इसलिए कहा जाता है राम भी गया रावण भी, राम का संप्रदाय भी जाएगा तो रावण संप्रदाय भी जाएगा। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो, हैंडफुल थोड़े हो ना, ये सारा रावण संप्रदाय है और तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा है, 9 लाख, बिगिनिंग तो उससे ही होगी ना। तुम धरती के सितारे हो ना, ये 9 लाख तारा मंडला ऐसा एक गीत है, उस पर बाबा विस्तार कर रहे हैं। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे, तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं क्या प्रैक्टिस करो, मर जीवा बनने की कोशिश करो, यही अभ्यास करो। अगर किसी को देख बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार है, माया ललचा देती है, फिर अच्छी बात अपनाने के बजाय अच्छी बात करने वाले को अपना लेते हैं,
थी तो बात अच्छी, वो जो बाप ने बताई, तो बाप से बुद्धि योग जुटने की बजाय, अच्छी बात अपनी बनाने के बजाय, जिसने अच्छी बात कही उसको अपना बना लेते, फंस जाते ना, फिर मर पड़ते हैं, उनकी तकदीर में नहीं है। तो माया सामने आ जाती है, कितना भी समझाओ समझाओ तो क्या होगा, गुस्सा लगेगा, तो मेरे पर शक करती हो, तुम्हारी दृष्टि ऐसी है, इमेजिन करते हो, बुद्धि मलिन हो गई ना, ब्लॉक हो गई बुद्धि, तो समझ नहीं आएगा, रिएक्शन करेंगे तो गुस्सा आएगा। ब्लॉक हो गई ना बुद्धि, बुद्धि को ताला लग गया है, तो क्या होता है उस समय, ये नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है, देह भान फिर देह अभिमान, उस देह अभिमान में आया तो गुस्सा आएगा, समझा नहीं समझेंगे नहीं, बुद्धि को ताला लग जग गया। ये नहीं समझते कि देह अभिमान ही काम करा रहा है, और अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, अहंकार या सुमारिया, फिर अहंकार हुआ मर जाते फिर, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। फिर भी रहमदिल बाप है, प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाती है, अटैचमेंट हो गई, इन्फ्लुएंस आ गया, किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, क्या होती है उनकी कंडीशन पता है, क्या हो जाते हैं वो, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। क्या प्रैक्टिस करो, ये बंधन को काटने की कैंची कौन सी रखो, फिर अगेन एंड अगेन, मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, और एक फिर दूसरा अंदर पावर क्या भरनी है, एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, ये है मेहनत। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वो ज्ञान देने वाली याद आती रहे, ये बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है, अरे मीठा तो ज्ञान है, ज्ञान अमृत मीठा है, मीठी आत्मा है, शरीर मीठा थोड़ी है, बात करने वाली भी आत्मा है, तो कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमय माँ को माँ माँ करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है, आनंदमय माँ तो बाप कहाँ है, वर्षा बाप से मिलता है या माँ से, माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा, सिर्फ माँ माँ कहने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, अगर भूल से भी नाम रूप में फंस गए तो क्या होगा, और ही पाप हो जाएगा, क्यों कि बाप का ना फरमानदार बनते हैं, ये डबल बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, डबल पाप हो गया ना, बहुत बच्चे भूले हैं, भूले हुए हैं, बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को लेने आया हुआ हूँ तो जरूर ले जाऊंगा ना, इसलिए मेरे को याद करो, एक मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते आयो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा, भले कितने भी देवताओं को याद किया, बाप बगैर कोई काम कैसे होगा,
बाप कहते हैं मैं माँ, बाप थोड़ी कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूं, बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो, तुम थोड़ी पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है हमारा, तो एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही वारी जाएंगे, वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, बलिहार तो उन पर ही जाना है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी, मन मत से क्या रिजल्ट होगी, मूंझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूं, ये भी बिंदी रूप ही है, वो भी बिंदी रूप है, तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलता है, इसीलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है, जिनसे वर्षा मिलना है उनसे बुद्धि योग लगाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? जैसे इस शरीर से मरे हुए हैं, अर्थात न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बगैर शरीर आत्मा को देखो, सेकंड पॉइंट, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है, एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा, ईश्वरीय परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्ट मोहा भाव, सदा न्यारा रहने की निशानी है क्या? जीते जी मरने की निशानी क्या है? प्रभु प्यार की अनुभूति, सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, अनुभव।
और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं रहेंगे। प्यार उसको कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो, एवर कंपेनियनशिप, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में भी सदा सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।